हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो टॉपिक है ये स्पोर्ट्स इवेंट्स पे है। आप सब जानते ही हो कि रिसेंटली ही जो आईपीएल के मैचेस थे 2024 ईयर के, वो कंप्लीट हो गए। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम आईपीएल 2024 के रिलेटेड सब भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि आईपीएल को कंडक्ट कौन करवाता है, कौन इसको स्पॉन्सर करती है, ये सब चीज़ें पहले हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद 2024 में जो रिकॉर्ड्स बने हैं आईपीएल के, वो हम सारे जो हैं वो लास्ट स्लाइड्स में कवर करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखा करें, ताकि आपको जितनी भी नॉलेज है वो आपको मिल सके। क्योंकि मैंने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड ही जो टर्म्स हैं या सिलेक्टेड ही कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंडियन प्रीमियर लीग होती क्या है, मतलब आईपीएल है क्या चीज़। आईपीएल इज़ अ मेंस टी20 क्रिकेट लीग हेल्ड एनुअली इन इंडिया। कहते हैं कि जो आईपीएल है ये एक मेंस टी20 क्रिकेट लीग है जो हर साल इंडिया में खेली जाती है। IPL usually takes place during the summer between March and May every year। कहते हैं कि ये हर साल कब खेली जाती है, मार्च और मई का जो मंथ होता है, ये समर टाइम पे जो IPL के मैचेस, आप पता, आप सबको जानते ही हो कि ये मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं, कभी ये अप्रैल में होते हैं, तो ये मई तक चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर कौन है आईपीएल के, वो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम बीसीसीआई कहते हैं। आपको कभी कभी तो फुल फॉर्म स्पोर्ट्स इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं, हम करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो बीसीसीआई जो टर्म है ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, तो कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और फर्स्ट एडिशन जो है आईपीएल का, वो पहली बार कब खेला गया था, 2008 में। लेटेस्ट एडिशन जो 2024 का जो एडिशन हुआ है ये आईपीएल का, तो ये 17th एडिशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो आईपीएल 2024 के जो मैचेस खेले गए हैं ये किस एडिशन में थे, तो ये 17th एडिशन में थे। क्रिकेट का फॉर्मेट क्या है, T20 है, मतलब 20 ओवर्स का ये मैच होता है। अगर हम 2024 की अब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करें, इन द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2024 कलकत्ता नाइट राइडर्स डिफीटेड सनराइजर हैदराबाद बाय 8 विकेट्स। कहते हैं अगर हम फाइनल मैच की बात करें तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हरा के 8 विकेट से उनको क्या कर दिया था, हरा कर जीत हासिल की थी। कलकत्ता नाइट राइडर्स वॉन द आईपीएल ट्रॉफी फॉर द थर्ड टाइम। और जब कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराया, तो जो कलकत्ता नाइट राइडर्स थी ये इस बार क्या रही है, विनर टीम रही है आईपीएल 2024 की। और इन्होंने ये जो ट्रॉफी है आईपीएल की, ये थर्ड टाइम जो है ये इनके अंडर आई है। फर्स्ट जो थी वो 2012 में थी, देन 2014, और देन अब जो थर्ड टाइम है ये 2024 में इनके अंडर आई है। कलकत्ता नाइट राइडर्स वॉन द टाइटल। पूछ सकते हैं कि जो कलकत्ता नाइट राइडर्स है इसने कितनी बार आईपीएल की जो ट्रॉफीज़ हैं वो वॉन की हैं, तो वो थ्री टाइम्स हैं। फर्स्ट जो थी वो 2012, सेकंड टाइम 2014, एंड थर्ड टाइम इज़ इन 2024। अब ये विनर जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर थी, और रनर अप कौन सी थी, सनराइजर हैदराबाद। देखते हैं कि विनिंग अमाउंट या फिर विनिंग जो अवार्ड्स हैं वो किसको क्या अवार्ड मिला है। सबसे पहले ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप एक अवार्ड होता है, ये उस प्लेयर को मिलता है जो सबसे ज़्यादा आईपीएल की लीग में क्या बनाते हैं, रन्स बनाते हैं। तो इस बार ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है ये विराट कोहली को मिला है, जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम से थे, आरसीबी जिसको बोलते हो, और इन्होंने पूरे प्रीमियर लीग में 741 रन्स बनाए, और इसमें विनिंग अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपीज़। उसके बाद है पर्पल कैप, पर्पल कैप उन प्लेयर्स को, उस प्लेयर को मिलती है जिन्होंने इस लीग में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली होती है, और ये किसको मिली है, ये मिली है हर्षल पटेल को, जो पंजाब किंग्स से थे, बट इसको रिसीव किया भुवनेश्वर कुमार ने, और हर्षल पटेल ने 24 विकेट्स ली थी, और इसका भी विनिंग अमाउंट कितना है, 10 लाख विनिंग अमाउंट है।
नेक्स्ट है IPL 2024 विनिंग अमाउंट. जिस टीम ने IPL 2024 की ट्रॉफी जीती है उनको विनिंग अमाउंट कितना मिलता है, तो उनको मिलता है ₹20 करोड़ जो हैं वो कलकत्ता नाइट राइडर्स को इस बार मिले हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार IPL ट्रॉफी 2024 को जीता है. उसके बाद है IPL 2024 रनर अप को कितना अमाउंट मिलता है, तो उनको मिलता है 12.5 करोड़. और ये इस बार रनर अप टीम हमारी कौन सी रही है, सनराइजर्स हैदराबाद. नेक्स्ट है फेयर प्ले अवार्ड. फेयर प्ले अवार्ड जो है ये सनराइजर हैदराबाद को मिला है. बेस्ट कैच अवार्ड जो है ये रमनदीप सिंह को मिला है, और इनकी भी प्राइज मनी कितनी रही है, 10 लाख रुपीज़. अमर्जिंग प्लेयर जो है ये नीतीश रेड्डी हैं जो सनराइजर हैदराबाद से थे, और इनकी भी प्राइज मनी कितनी है, 10 लाख प्राइज मनी है. प्लेयर ऑफ़ द मैच इन द फाइनल. प्लेयर ऑफ़ द मैच इन द फाइनल का जो अवार्ड है ये मिटकल स्टॉक को मिला है, जो कलकत्ता नाइट राइडर्स के थे, और इसमें विनिंग अमाउंट कितना है, 5 लाख प्राइस मनी था इसमें. नेक्स्ट है पिच एंड ग्राउंड अवार्ड विनर, ये मिला है सनराइजर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, और इसमें प्राइस मनी कितनी थी, 50 लाख रुपीज़. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं वो सुनील नारेने, और इनका भी प्राइस मनी कितनी है, 10 लाख रुपीज़. इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न जो हैं ये जैक फ्रेसर मैकगुर्क को मिला, और फ्लिकर को प्राइस मनी इधर भी कितनी है, 10 लाख रुपीज़. सुपर सिक्सीज ऑफ द सीज़न, सबसे ज़्यादा जो सुपर सिक्सीज लगाए हैं वो अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं, और कितने हैं वो, 42. कैच ऑफ द सीज़न रमनदीप सिंह. अब 2024 का जो IPL हुआ है इसमें बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि रिकॉर्ड जो हैं वो किए गए हैं. सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो IPL के मैचेस में रिकॉर्ड एक रन्स का बना, तो वो 287 एक टीम थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इन द 30th मैच. जब IPL का 30th जो मैच था IPL का जब वो चल रहा था, सनराइजर्स हैव मेड हिस्ट्री अगेंस्ट RCB. सनराइजर हैदराबाद जो टीम थी उन्होंने RCB के अगेंस्ट एक मतलब हिस्ट्री बनाई, और उन्होंने स्कोर किए 287 रन्स फॉर 3 विकेट्स एंड मेकिंग बिगेस्ट स्कोर इन IPL हिस्ट्री. और उन्होंने 287 रन्स को स्कोर किया 3 विकेट्स पे, और सबसे हाई बिगेस्ट जो स्कोर है ये IPL की हिस्ट्री में ये ऐड हो गया है. मोस्ट रन्स कंबाइंड इन बोथ इनिंग्स इन दिस सेशन 549 रन्स वर स्कोर्ड इन बोथ इनिंग अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड सनराइजर हैदराबाद, विच इज़ द हाईएस्ट टोटल रन्स कंबाइंड इन बोथ इनिंग्स इन अ सिंगल मैच इन IPL. इन दिस मैच सनराइजर हैदराबाद स्कोर्ड 287 रन्स वाइल द बेंगलुरु टीम स्कोर्ड 262 रन्स. मैंने आपको पहले बोला कि एक जो मैच था 30th मैच था जो IPL का, उसमें 287 रन्स जो थे वो एक रिकॉर्ड बनाया था. तो कहते हैं कि उस टाइम पे दोनों इनिंग्स जैसे RCB और जो सनराइज़र हैदराबाद थी, इन दोनों के जब मैचेस हुए तो टोटल रन्स जो थे वो 549 रन्स जो थे वहाँ पे एक स्कोर किए गए. और कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कंबाइंड रन्स हैं इनिंग्स के, मतलब बोथ इनिंग्स के दोनों टीमों में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए गए थे. मोस्ट सिक्सीज इन अ सीज़न, सबसे ज़्यादा सिक्सीज जो हैं सीज़न में वो 2024 का जो IPL हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा सिक्सीज हिट हुए हैं वो कितने हैं, 1260 सिक्सीज जो हैं. ऐसे आज तक जो प्रीवियस अगर हम सीज़न की बात करें या जो पहले सेशन हुए हैं इसके, उनमें इतने सिक्सीज कभी नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं. मोस्ट 250 प्लस स्कोर्स, आपको पता है कि इस बार मैक्सिमम टीम्स जब IPL खेल रही थी, जब मैचेस हो रहे थे उस टाइम पे मैक्सिमम टीम्स जो थी उनमें क्या था, मैक्सिमम जो टीम्स थी वो 250 प्लस रन्स में ही स्कोर कर रही थी. इन IPL 2024 स्कोर्स ऑफ 250 और मोर हैव बीन स्कोर्ड 8 टाइम्स. 8 टाइम्स ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें स्कोर्स जो हैं वो कितने गए हैं, 250 प्लस. मोस्ट सेंचुरीज, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो हैं वो भी IPL 2024 में रिकॉर्ड की गई हैं. हैज स्कोर्ड 14 सेंचुरीज सो फार विच इज़ मोर देन एनी प्रीवियस एडिशन. कहते हैं कि पहले IPLs की बात करें, पहले सेशंस की बात करें, जैसे ये 17th एडिशन था, इससे पहले जितने भी एडिशन हुए हैं अगर हम उनकी बात करें तो आज तक इतनी सेंचुरीज जो हैं वो भी कभी नहीं की गई हैं. बिगेस्ट चेज इन IPL 2024, पंजाब किंग्स वर गिवन अ टारगेट ऑफ 262 रन्स बाय कलकत्ता नाइट राइडर्स, विच पंजाब लॉस्ट 2 विकेट्स एंड अचीव विद 8 बॉल्स रिमेनिंग. कहते हैं कि एक इतना चेज
बिगेस्ट चेज दिया गया IPL 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर्स के द्वारा पंजाब किंग्स को 262 रन्स का टारगेट दिया गया और पंजाब किंग्स जो टीम थी उन्होंने अपनी दो ही विकेट खो के 8 बॉल्स अभी भी रिमेनिंग थी, उन्होंने ये टारगेट को क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था। मोस्ट सिक्सिस इन द मैच, इन द मैच प्लेड बिटवीन पंजाब किंग्स एंड कलकत्ता नाइट राइडर्स बोथ इनिंग्स टुगेदर हिट अ टोटल ऑफ 42 सिक्सिस। कहते हैं कि दोनों इनिंग्स की बात करें, जब कलकत्ता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में जो मैच हुआ था, दोनों इनिंग्स पंजाब किंग्स की भी और कलकत्ता नाइट राइडर्स दोनों इनिंग्स के टाइम पे अगर हम टोटल सिक्सिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिक्सिस थे इस इनिंग्स में हुए थे वो कितने हुए, 42। Most sixes in an innings. In the match between Punjab and Kolkata, 24 sixes were hit by Punjab Kings, which is the most sixes hit by a team in innings of an IPL match. यही बात हो रही है जब 42 sixes जो थे वो दोनों matches के बीच में हुए, तो कहते हैं कि जो Punjab Kings थी इसने उस match में 24 sixes बनाए, जो IPL के जितने भी matches 2024 में खेले गए उनमें आज तक कभी किसी ने भी 24 sixes जो हैं एक इनिंग में नहीं लगाए। इंडियंस हु हिट द मोस्ट सिक्सेस इन अ सेशन ऑफ IPL, इंडियन प्लेयर अभिषेक हैज ब्रोकन विराट कोहलीज 8-year ओल्ड रिकॉर्ड बाय हिटिंग द मोस्ट सिक्सेस इन अ सीजन ऑफ IPL। कोहली हिट 38 सिक्सेस इन द ईयर 2016, नाउ अभिषेक हैज रिकॉर्ड ऑफ 42 सिक्सेस इन IPL 2024। एक और रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया IPL 2024 में, वो ये था कि पहले क्या था कि जो विराट कोहली थे उन्होंने 8 साल पहले एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था कि उन्होंने IPL के अंदर जब IPL का वो मैच था उसमें खेला गया था तो उसमें 38 सिक्सेस जो थे वो IPL 2016 के ईयर में उन्होंने टोटल इनिंग्स में 38 सिक्सेस लगाए थे, बट ये रिकॉर्ड जो है ये ब्रेक हो गया। अब जो अभिषेक हैं इंडियन प्लेयर, उन्होंने 42 सिक्सेस का रिकॉर्ड जो है वो अब ये टारगेट सेट कर दिया है, द हाईएस्ट स्कोर इन द पावर प्ले। कहते हैं कि अगर हम IPL 2024 की बात करें तो इसमें इस बार हाईएस्ट जो स्कोर है ना पावर प्ले का वो भी इस बार रिकॉर्ड किया गया है। पावर प्ले मोटिवेट्स द बैट्समैन टू टेक रिस्क एंड हिट बिग शॉट्स विदाउट वरिंग अबाउट गेटिंग आउट। इन IPL 2024 सनराइजर हैदराबाद हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर मेड बाय KKR इन 2017 बाय स्कोरिंग 125 रन्स इन 6 ओवर्स। कहते हैं कि जो बिग हाईएस्ट जो स्कोर थे ना पावर प्ले के, ये रिकॉर्ड भी जो है ये ब्रेक हो गया है। पहले कलकत्ता नाइट राइडर्स जो 2017 में इन्होंने 125 रन्स जो थे वो 6 ओवर्स में, मतलब पावर प्ले के 6 ओवर्स में 125 रन्स का रिकॉर्ड बनाया था, बट अब सनराइजर हैदराबाद ने ये रिकॉर्ड भी क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। मोस्ट रन्स इन 10 ओवर्स बाय अ टीम, अब क्या है कि 10 ओवरों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो टीम है वो सनराइज़र हैदराबाद रही है। उन्होंने इस बार 9.4 ओवर्स में 167 रन्स जो हैं वो लखनऊ टीम के अगेंस्ट बनाए थे। फास्टेस्ट 1000 सिक्सेस अकॉर्डिंग टू बॉल्स इन IPL। कहते हैं कि 1000 सिक्सेस जो थे वो बड़े कम बालों में 1000 जो सिक्सेस थे वो कंप्लीट किए गए IPL 2024 में। कंबाइनिंग बोथ इनिंग्स द हाइएस्ट 2000 प्लस रन्स वर स्कोर्ड दिस ईयर। कहते हैं कि 14 मैचेस जो थे IPL के अंदर ऐसे खेले गए हैं जिनमें 200 जो है बोथ इनिंग्स में वो कवर किए गए हैं। मोस्ट ऑफन स्कोर्स ऑफ 200 प्लस इन IPL 2024, स्कोर्स ऑफ 200 और मोर वर स्कोर्ड 41 टाइम्स विच इज़ मोर देन ऑल प्रीवियस सीजन्स। कहते हैं इससे पहले जो रिकॉर्ड है इसमें मोस्ट ऑफन जो स्कोर्स थे वो 200 प्लस के बड़े कम होते थे, बट इस बार मैक्सिमम जो 41 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जो मैचेस हुए उसमें 200 प्लस स्कोर्स जो है इन टीम्स ने लगाए हैं। ये सब चीज़ें थी रिलेटेड टू IPL 2024 कि इस बार IPL 2024 के विनर्स कौन हैं, अवार्ड्स किस किस को मिला है, उनकी विनिंग अमाउंट कितनी है ये हमने कवर किया, और इसके बाद विनिंग टीम कौन सी रही है, उनको विनिंग अमाउंट कितना मिला, उसके बाद हमने कवर किया कि जो IPL 2024 में जो बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं वो सब चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।